आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर विजय यात्रा निकालेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। राजभर और अखिलेश का पहला संयुक्त रोड शो, यात्रा से पहले जनसभा भी करेंगे अखिलेश। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज चित्रकूट में महिलाओं के साथ करेंगी शक्ति संवाद। बड़ी संख्या में महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद। प्रियंका यहां शिव मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बुंदेलखंड के दौरे पर, 19 नवंबर को पीएम के महोबा और झांसी के दौरे की तैयारियों का लेंगे जायजा। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री। 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा की इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक आज। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में राज्यसभा सांसद ब्रिजलाल सहित कई सांसद और विधायक होंगे शामिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज से दो दिन के लखनऊ दौरे पर। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्ति विवाद को लेकर सीएम योगी से होगी मुलाकात। छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार और छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर आज कांग्रेस रखेगी मौन व्रत। गणेश गोदियाल, हरीश रावत सहित कई वरिष्ठ नेता होंगे मौन व्रत में शामिल। आम आदमी पार्टी की किसान संकल्प यात्रा आज नानकमत्ता होते हुए खटीमा पहुंचेगी। खटीमा में ही किया जाएगा यात्रा का समापन। लोकसभा सांसद भगवंत मान कर रहे हैं यात्रा का नेतृत्व। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज उत्तरकाशी में करेंगे रोड शो। सिसोदिया उत्तरकाशी ज्ञानसू टनल से रोड शो में शामिल होंगे। उसके बाद वो रामलीला मैदान में बड़ी जनसभा को भी करेंगे संबोधित। आज से शुरू हो जाएगा नोएडा में प्रदूषण नियंत्रण के लिए बना स्मॉग टावर। नोएडा अथॉरिटी ने नोएडा वासियों को दूषित हवा से राहत देने के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कंपनी के साथ मिलकर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर का किया है निर्माण। कोरोना महामारी के चलते बंद किया गया करतारपुर साहब कॉरिडोर आज फिर से खुलेगा। मोदी सरकार ने दिया है गुरु पर्व का तोहफा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर वाराणसी पहुंचे ओपी राजभर का बयान, कहा वोट की मंशा से किया गया उद्घाटन। ओपी राजभर ने कहा बारिश में धंस गई थी एक्सप्रेसवे की सड़क। इतनी ऊंच खाल, थोड़ी एक बरसात खाली दो दिन हुई और आपको बता दूं 50 जगह सड़कें बैठ गई। आप ध्यान से देखिएगा 50 जगह पिच कर दी गई है सड़क पर, जो दिख रहा है कि नहीं, यहाँ इसके ऊपर जैसे कोई कपड़ा फट जाता चक्की दी जाती है। झांसी पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बड़ा बयान, कहा उसके अभी काम भी पूरे नहीं हुए, अधूरे काम का जल्दबाजी में उद्घाटन करना ठीक नहीं। बोले इसको लेकर सपा भाजपा में जारी है नूरा कुश्ती। सीएम योगी ने कहा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे केवल आवागमन का रास्ता नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास का रास्ता है। इस एक्सप्रेसवे से पूर्वी यूपी के विकास का रास्ता खुलेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिन परिस्थितियों के बीच बनकर तैयार हुआ उससे पिछले 4 में यूपी में हुए विकास की रफ्तार को गति मिलती है। सीएम योगी बोले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरह ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी बनने जा रहा है। इसके अलावा कई एक्सप्रेसवे जल्द ही प्रदेश के बड़े शहरों को जोड़ेंगे। विकास कार्यों में कानपुर शहर भी मेट्रो रेल की सुविधा से जुड़ा है। आने वाले वक्त में कई और एक्सप्रेसवे बनेंगे जिनमें एयर स्ट्रिप होगी। प्रदान करने की दिशा में जहां बड़ा कदम प्रदेश ने बढ़ाया है, 4 अब तक मेट्रो की सुविधा से वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराई रही है। पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम में भोजपुरी में किया इस्तकबाल, कहा 1857 की लड़ाई में पूर्वांचल की धरती ने अंग्रेजों के पैर उखाड़े, ऐसी पावन धरती और उसके लोगों को नमन करता हूं। गीत है के लड़ाई में यहां के लोग अंग्रेजन का छठी का दूध याद देवाए दे रहे। यह धरती के कण कण में स्वतंत्रता संग्राम के खुशबू बा।
प्रधानमंत्री ने कहा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, कहा यूपी के पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिम सहित हर कोने को एक्सप्रेसवे के जरिए जोड़ा जा रहा है, जिससे यूपी के विकास का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। यूपी के विकास से बढ़ेगा देश का गौरव। पीएम मोदी ने कहा, 3-4 साल पहले तक जहां केवल जमीन थी, वहां से आज आधुनिक एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के वक्त नहीं सोचा था कि उसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मैं विमान से उतरूंगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है, ये यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है, ये नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है, ये यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है, ये आधुनिक यूपी की पहचान है। यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है, ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है, ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। पीएम ने कहा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी की पहचान है, ये यूपी की शान है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी के लोगों को समर्पित करते हुए खुद को धन्य मान रहा हूँ। देश के विकास की दौड़ में सभी का संतुलित विकास भी बेहतर जरूरी है। विकास की असमानता देश के लिए ठीक नहीं है। पूर्वी भारत और इन क्षेत्रों को देश के विकास का उतना लाभ नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। पीएम बोले, इमरजेंसी की स्थिति में देश के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक और ताकत बन गया है। यहाँ के क्षेत्र को गंगा और सहायक नदियों का आशीर्वाद मिला है, लेकिन 7-8 साल पहले यहाँ की जो हालत थी उसे देखकर हैरानी होती थी। मैं सोचता था कि आखिर यूपी को लोग किस बात की सजा दे रहे हैं। जब आपने मुझे चुना तो मैंने यूपी के विकास के लिए काम किया। पीएम मोदी ने कहा, यूपी पर राजनीति करने वालों ने यूपी के विकास पर ध्यान नहीं दिया। यूपी में राज करने वालों ने प्रदेश को माफिया राज और गरीबी के हवाले किया। आज यूपी विकास के नए कीर्तिमान लिख रहा है। सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश तेजी के साथ विकास की तरफ बढ़ रहा है। कौन भूल सकता है कि यूपी में कानून व्यवस्था की क्या हालत थी? कौन भूल सकता है कि यूपी में मेडिकल सुविधाओं की क्या स्थिति थी? यूपी में तो हालत ऐसे बना दिए गए थे कि यहां सड़कों पर राह नहीं होती थी, राह चनी होती थी। अपने संबोधन के दौरान समाजवादी पार्टी पर पीएम मोदी ने साधा निशाना, कहा पहले की सरकार के लोगों को मेरे साथ खड़े होने में भी वोट बैंक का खतरा लगता था, उनके पास काम का हिसाब देने के लिए कुछ नहीं था। पिछली सरकारों ने यूपी के विकास में भेदभाव किया, सिर्फ अपने परिवारों के लिए विकास किया। पीएम ने कहा, पहले की सरकारों में कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं थी, पहले राह नहीं राहजनी होती थी। आज राहजनी करने वाले जेल के अंदर हैं और प्रदेश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। विकास के रास्ते यूपी का भविष्य साफ नजर आ रहा है। विकास से सभी को रोजगार मिलेगा। पूरब के लोगों के लिए रोजगार आसान होगा, दूसरे शहरों से कनेक्टिविटी आसान होगी। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा, 90 किलोमीटर का गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे कितने शहरों को जोड़ेगा? गोरखपुर, आंबेडकर नगर, संत कबीर नगर और आजमगढ़। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा एयर शो। एयर स्ट्रिप में वायुसेना के विमानों ने दिखाए पराक्रम। जगुआर, सुखोई, मिराज ने किया फ्लाईपास। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सपा और भाजपा के बीच मचे सियासी घमासान के बीच अब औद्योगिक विकास राज्य मंत्री धर्मवीर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव को सत्ता में आने की बेचैनी है और इसी बेचैनी में वो इस तरह की बात कह रहे हैं। चंदौली पहुंची सपा की जनादेश यात्रा की पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज ने की अगुवाई। भाजपा पर हल्ला बोलते हुए इंद्रजीत सरोज ने कहा, इन्होंने जनता से वादा किया था, चाहे वो महंगाई की बात हो या कानून व्यवस्था की, सब में विफल रही सरकार।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक सभा में गड्ढा मुक्त सड़कों पर दिए बयान पर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जाहिद बेग ने किया पलटवार। कहा, कागजों में सड़कें बनती हैं, लाखों रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। भदोही विधानसभा क्षेत्र का मामला। 2009 के एक मुकदमे के सिलसिले में मुजफ्फरनगर कोर्ट में पेश हुए भाजपा विधायक संगीत सोम ने कहा, सनातन धर्म दुनिया में सबसे बड़ा है। संगीत सोम पर चुनाव के दौरान हंगामे को लेकर आचार संहिता के उल्लंघन का चल रहा मुकदमा। दो दिवसीय दौरे पर बांदा पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कालिंजर स्थित नीलकंठ महादेव के किए दर्शन। कांग्रेस नेताओं से की मुलाकात। भूपेश बघेल ने कहा, बुंदेलखंड से नहीं हूं अपरिचित। रुद्रपुर में जनसभा के दौरान जेपी नड्डा का बंगाली समाज के लोगों से वादा। कहा, प्राथमिकता के आधार पर दूर की जाएंगी बंगाल समाज के लोगों की समस्याएं। नड्डा बोले, पीएम के नेतृत्व में पहाड़ पर बह रही विकास की गंगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के उत्तराखंड दौरे पर पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान। आम आदमी पार्टी को बताया वोट कटवा पार्टी। हरीश रावत ने कहा, सभी उत्तराखंड आ रहे हैं, उनका स्वागत है, लेकिन इनकी भूमिका वोट कटवा से ज्यादा नहीं है। कहा, ऐसे लोगों को राज्य की जनता कभी माफ नहीं करेगी। उत्तरकाशी में सियासी समीकरणों में हो सकता है उलटफेर। मौजूदा विधायक राजकुमार के भाजपा में शामिल होने की संभावना। तो वहीं पूर्व प्रत्याशी दुर्गेश लाल थाम सकते हैं कांग्रेस का दामन। दोनों नेता बिगाड़ सकते हैं पूर्व विधायक मालचंद के सियासी समीकरण। पूर्व पीसीसी चीफ किशोर उपाध्याय ने आगामी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों से 40% महिला उम्मीदवारों को उतारने की मांग की है। इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए किशोर उपाध्याय ने कहा कि जब महिलाएं घर चला सकती हैं तो सरकार भी चला सकती है। भारतीय किसान यूनियन के जारी किए गए पोस्टर को लेकर भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत का बयान। कहा, 22 नवंबर को लखनऊ जा रहे हैं किसान, तो मुख्यमंत्री को तो बताना पड़ेगा। बोले, अधिकारियों से मिलेंगे और अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए बात करेंगे। बाईस नवंबर की महापंचायत के लिए भारतीय किसान यूनियन का पोस्टर जारी। पोस्टर में सीएम योगी का नाम लिखा, लखनऊ आ रहे हैं किसान। किसान संयुक्त मोर्चा के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने जारी किया पोस्टर। 22 नवंबर को लखनऊ में होगी किसान महापंचायत। शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र के मेरठ करनाल हाईवे मार्ग पर गांव सिंभालका में कैराना सांसद, सदर विधायक और जिलाधिकारी ने दो दिवसीय सांसद खेल स्पर्धा प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। खेल को बढ़ावा देने के लिए भाजपा नेताओं का लोगों ने जताया आभार। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर मेरठ मंडलायुक्त ने की अधिकारियों के साथ बैठक। 25 नवंबर को होना है जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास और भूमि पूजन। मंडलायुक्त अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तय की गई रणनीति। बहराइच के नानपारा इलाके में हर्ष फायरिंग से युवक गंभीर रूप से घायल। बारातियों ने युवक को पहुंचाया अस्पताल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद के चौकी श्याम पार्क में हाई वोल्टेज ड्रामा। चौकी में जमकर हुई मारपीट। पति पत्नी के झगड़े में महिला के घर वालों ने पति और उसके घर वालों को पीटा। पुलिस चौकी बनी अखाड़ा। उन्नाव में जमीन पर कब्जा जमाने के लिए असलहों के बल पर कब्जा करने पहुंचे दबंग। बाउंड्री वॉल को गिराकर अपने पिलर लगवाने की कोशिश की। लाइसेंसी असलहों से फायरिंग कर दबंगों ने फैलाई दहशत। पुलिस की मौजूदगी में की गुंडागर्दी। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के कठादल नारायणपुर गांव का मामला। गाजियाबाद के कौशाम्बी पंचमणि टावर में फ्लैट में लगी आग से हड़कंप। फ्लैट नंबर 1405 में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। आगरा में हादसे का शिकार हुई पुलिस फायर सर्विस की गाड़ी। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। गाड़ी में सवार चालक सहित 3 पुलिसकर्मी बाल बाल बचे। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। यूपी के कौशाम्बी में बीमारी से तंग आकर एक पूर्व प्रधान ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर की आत्महत्या। घर के भीतर से गोली चलने की आवाज सुनकर मचा कोहराम। कमरे के भीतर जमीन पर खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला शव। 10 साल से शुगर, ब्लड प्रेशर सहित अन्य गंभीर बीमारियों से परेशान था पूर्व प्रधान।
उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में फिर आई तेजी, स्वास्थ्य विभाग की बढ़ रही चिंता। उत्तराखंड में अब तक कोरोना के कुल 3,40,000 मरीज आ चुके सामने, 7,000 से ज्यादा मरीजों के सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी। सीएमएस ने कहा अस्पतालों में सतर्कता बरती जा रही है, मामले कम होने के बाद लापरवाह बन गए लोग। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर एक्शन में सीबीआई, चंदौली में कई ठिकानों पर रेड, दुकानों से मोबाइल और मेमोरी कार्ड्स को किया सीज, 5 घंटे से ज्यादा समय तक चला सर्च ऑपरेशन। हापुड़ में अवैध पशु कटान की सूचना पर पहुंची पुलिस पर हमला, सिकंदर गेट चौकी इंचार्ज घायल हालत में अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, 112 नंबर पर कॉल कर अवैध पशु कटान की पुलिस को दी गई थी सूचना। मुजफ्फरनगर में बेखौफ बदमाशों का आतंक, मंगलवार शाम को छपार थाने के नेशनल हाईवे 58 पर गोलियों से भूनकर एक युवक को उतारा मौत के घाट, 23 वर्षीय अर्पित की मौके पर हुई मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मृतक युवक कैडबरी चॉकलेट का सेल्समैन था। ग्रेटर नोएडा की सूरजपुर पुलिस ने 5 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 6,000 रुपए कैश, चोरी किए 177 मोबाइल फोन, LCD DVR फर्जी नंबर प्लेट लगी I-20 मैग्ना कार भी बरामद, पुलिस को 600 मोबाइल और 6,00,000 रुपए चोरी की मुखबिर ने दी थी सूचना। बिजनौर में अपनी नई नवेली दुल्हन को रास्ते से हटाने के लिए पति ने दी लाखों रुपए की सुपारी, दहेज को लेकर पत्नी से करता था मारपीट, दिन दहाड़े लेक्चरर पत्नी की हत्या की वारदात को अंजाम देकर सुपारी किलर हुए फरार, पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ा, हत्या का मास्टरमाइंड पति अब भी पुलिस की पकड़ से दूर, आरोपी की सरगर्मी से तलाश में जुटी पुलिस। उन्नाव में पुलिस के हत्थे चढ़े शातिर लुटेरे, लूट की कई वारदातों को दे चुके अंजाम, 2 लुटेरों के पास से नकदी और जेवरात भी बरामद, SP ने घटना का किया खुलासा। नेपाल से 60 किलो 600 ग्राम चरस की तस्करी कर शामली ले जा रहे शिक्षा मित्र सहित 3 तस्करों को लखनऊ STF शाहजहांपुर SOG ने किया गिरफ्तार, तस्करों के कब्जे से एक होंडा सिटी कार से 60 किलो 600 ग्राम चरस सहित 4 मोबाइल फोन, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और 46,000 रुपए कैश बरामद। रायबरेली में दबिश देने पहुंची पुलिस ने दरवाजा न खोलने पर ईंट की बाउंड्री वॉल पार करके घर में की एंट्री, घर के अंदर महिलाओं के होने के बावजूद बिना किसी महिला सिपाही के पुलिस कर्मियों ने दी दबिश, वीडियो वायरल होने पर पुलिस अधीक्षक ने जांच के दिया आदेश, शहर कोतवाली क्षेत्र के बरईपुर गांव का मामला। कानपुर के कल्याणपुर में पुलिस हिरासत में, हालात बिगड़ने के बाद युवक की मौत, मृतक के परिजनों का आरोप, पुलिस की पिटाई से हुई युवक की मौत, कहा चोरी के आरोप में पकड़े गए युवक को हालत बिगड़ने पर पुलिस ने घर भिजवा दिया, जिसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। 20 लाख की चोरी के मामले में 13 नवंबर को जितेंद्र उर्फ कल्ले को पूछताछ के लिए थाने ले गई थी पुलिस, हेलट अस्पताल में हुई मौत। अल्मोड़ा के बिनसर की हसीन वादियों का 3 दिन तक लुत्फ उठाने के बाद वापस लौटे रणवीर दीपिका, बिनसर स्थित एक रिजॉर्ट में ठहरा हुआ था बॉलीवुड का स्टार कपल, शादी की तीसरी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने अल्मोड़ा पहुंचे थे रणवीर दीपिका, उन्हें देखने के लिए उमड़ी फैंस की भीड़, 14 नवंबर को थी रणवीर दीपिका की एनिवर्सरी। बद्रीनाथ धाम में पड़ रही कड़ाके की ठंड, सर्दी का सुबह शाम 3rd degree टॉर्चर, जमने लगे नदी नाले और झील, बद्रीनाथ धाम में नदी नाले और झील जम चुके हैं और जमा हुआ पाला बेहद खूबसूरत कांच की तरह नजर आने लगा है, बद्रीनाथ धाम में रात का तापमान -4 degree तक पहुंच गया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी का ऐलान, 6 दिसंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि के विवादित स्थल में होगी भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की स्थापना, देश की पवित्र नदियों के जल से कान्हा का कराया जाएगा अभिषेक, देश भर से अखिल भारतीय हिंदू महासभा के बैनर तले लोग होंगे एकत्रित, गृह मंत्रालय को भेजा मेल। राजस्थान की गहलोत सरकार ने पेट्रोल डीजल से घटाया वैट, वैट घटने के बाद पेट्रोल 4 रुपए प्रति लीटर और डीजल 5 रुपए प्रति लीटर तक हुआ सस्ता, लोगों को मिली राहत। अक्षय कुमार ने इंस्टाग्राम हैंडल पर जैकलिन फर्नांडिस का जुगाड़ वाला वीडियो शेयर किया है, वीडियो में जैकलिन फर्नांडिस बीच हवा में हेलीकॉप्टर की राइड के दौरान जुगाड़ से बालों को कर्ल करती दिखाई दे रही हैं। अक्षय कुमार ने जैकलिन का जुगाड़ वीडियो शेयर करते हुए लिखा, लड़कियां इनसे प्रेरणा ले सकती हैं। अनुष्का शर्मा ने महीनों के बाद अपनी गॉर्जियस फोटो शेयर कर फैंस को ट्रीट दिया है, अनुष्का ने ग्रीन कलर की मोनोकनी में अपनी फोटो शेयर की है, पूल साइड अनुष्का की तस्वीरें आते ही वायरल हो गई, अनुष्का शर्मा की इन फोटोज पर विराट कोहली ने स्माइलिंग इमोजी डाली है।
हाल ही में एक्ट्रेस निया शर्मा ने एक नया वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपने दोस्तों संग डांस करती और मस्ती भरे पल एंजॉय करती दिख रही हैं। निया कमाल की एक्ट्रेस होने के साथ साथ बेहतरीन डांसर भी हैं। निया पिछले दिनों अपने गाने दो घूंट को लेकर सुर्खियों में थी जिसमें उनके डांस की जमकर तारीफ हुई थी। बिग बॉस 15 में आने वाले दिनों में जमकर ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलने वाला है। इसी बीच डोनल बिस्ट के वाइल्ड कार्ड एंट्री की खबरें सामने आ रही हैं। इससे पहले शो के तीसरे हफ्ते में डोनल बिस्ट घर से बाहर हो गई थी क्योंकि उन्हें घर वालों की तरफ से कम वोट मिले थे। हालांकि अब यह खबर जोर पकड़ चुकी है कि वाइल्ड कार्ड के रूप में डोनल बिस्ट घर में वापसी कर सकती है।